अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दें। थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा, आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं टावर 25 और टावर 26 के हवाले से, ये कैसी लोकेशन है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए इस टाइम पर करंट मार्केट में कैसा रहेगा, आज हम वीडियो में यही तमाम चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले बताता चलूं, बैरिया टाउन कराची की मेन गेट से सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत पर टावर 25, टावर 26 मौजूद है। और इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू पर मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर मैं बताता चलूं इसमें साइज़ क्या है, तो वो 2 बेड अपार्टमेंट है जो कि 950 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है। ये सेम बिल्कुल वैसे ही अपार्टमेंट है जिस तरीके से प्रेसेंट 19 के जो मुख्तलिफ 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, कोई इसके अलावा इसमें चेंजेस नहीं की गई। और बैरिया टाउन कराची को ये पिछले 3 साल पहले ही डिलीवर्ड कर देना था। बहरहाल अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ड्यू टू सम रीज़न, और सम रीज़न ये है कि कोविड में बिल्कुल भी 2-2.5 साल इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे बैरिया ने कोई काम नहीं करा। और यही एक इशू था कि कोविड की वजह से लेबर को शॉर्ट कर दिया गया था, जिसके बिना पे सिर्फ इन टावर्स पे नहीं, इवन के बैरिया हाइट्स पे भी काम को रोक दिया गया था। लेकिन अब बैरिया टाउन कराची उससे ज़्यादा फास्ट होके इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। और बैरिया का बिल्कुल कोशिश है कि 4 to 6 मंथ पे इसको एज सोन एज पॉसिबल आपको डिलीवर्ड कर दिया जाए। और इसके साथ साथ बताता चलूँ, इस टाइम पे जो बाहर का काम बैरिया में जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पेंट के हवाले से एलिवेशन को कम्प्लीट कर लिया गया, स्क्रैपिंग वगैरह प्रॉपर कर दी गई है। अभी पॉलीगेट वगैरह आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, जो कि आपको नज़र भी आ रही होगी, सिर्फ इसको फाइनल करने के बाद और फाइनल कोट करने के बाद इसको फिनिश कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अंदर भी इतनी ही स्पीड से काम हो रहा है, जितने आपके डोर्स हैं, विंडो हैं, इनकी तमाम चीज़ों की इंस्टॉलेशन वहाँ पर डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप बैरिया टाउन कराची करता जा रहा है। और इसके साथ साथ बताता चलूँ, अगर हम बाहर कारपेटिंग की बात करें, जो कि कंपाउंड का एरिया है जहाँ पे बच्चों का पार्क वगैरह जिस तरीके से बनाता है बैरिया, और इसका भी काम बहुत तेज़ी से हमें नज़र आता है कि अगले महीना 1.5 महीने में ये बैरिया कंप्लीट कर देगा। इस टाइम पे हमारे पास बहुत सी अच्छी इन्वेंट्रीज हैं और इंतहाई कम पैसों के अंदर आपको इस टाइम पर मिल रही है। ड्यू टू सम रीज़न इज़ दैट कि मार्केट बैरिया टाउन कराची की नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान की गिरी है, तो उसमें बैरिया भी अफेक्ट हुआ है। तो उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी तकरीबन हमने 1.5 से 2 मिलियन का अमाउंट डिक्रीज होता हुआ देखा है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर इन्वेंट्रियाँ, जो कि हम इन दोनों अपार्टमेंट को रेडी ही अपार्टमेंट कहेंगे, क्योंकि बैरिया ने बहुत जल्द इसको डिलीवर्ड करना है। और हमारे ऐसे क्लाइंट्स जो कि बैरिया टाउन कराची में चाहते थे कि हमें ऐसा अपार्टमेंट मिल जाए जो कि बहुत कम टाइम में हमें उसकी कीज़ हैंड ओवर हो जाए, और उसके साथ साथ हम रेंटल इनकम हासिल कर सकें, या बैरिया टाउन कराची में आके शिफ्ट होना चाहते हैं तो शिफ्ट होना सकें। तो उसके लिए आपके लिए एक अच्छा मौका है कि बहुत कम प्राइसेस में आपको यहाँ पर इन्वेंट्रीज़ मिल रही हैं, तो उनको लाजमी अवेल करें। और अगर आप कोई अपनी इन्वेंट्री को सेल करना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर शेयर करें, मेरा नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। और जो अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको फर्दर मैं मज़ीद भी प्रोवाइड करूँगा। ये एक छोटी सी अपडेट थी इन दोनों टावर्स के हवाले से, मैं आपको ज़रूर देना चाहता था। तो लिहाजा चांस बिल्कुल भी मिस ना हो, बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करना आने वाले टाइम पे ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगी, तो बेहतर है कि अभी कर ली जाए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।